मैं सलीम कुर्चीवाला औरंगाबाद का रहवासी हूँ। पिछले 30 साल से मेरी होटल बस स्टैंड के सामने है, होटल शांग्रीला इन। मेरी 2-3 होटल है और, मगर ये जो कल मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो हादसा पहली बार हुआ है। और ये क्रिमिनल का कम से कम 150-200 केसेस है पुलिस स्टेशन में, मगर कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारी सीपी साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो क्रिमिनल इतने केसेस करते जो यानी पुलिस स्टेशन के सामने भी नहीं आते, कुछ कई ऐसे केसेस होते हैं, तो हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कि मेरी सोने की चेन उसने खींच के लेकर गया और मेरा मोबाइल छीन कर लेकर गया और मैं कुछ नहीं कर सका। कल को कुछ और बड़ा हादसा भी हो सकता है, मैं तो यहाँ पर 12 बजे तक 1 बजे तक मुझे होटल की वजह से मुझे रुकना पड़ता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इतने सारी होटल से ये कई हादसे हुए होंगे, लेकिन किसी ने भी कंप्लेन किए, कुछ कंप्लेन हुए भी होंगे। तो हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो नामचीन जो गुनहगार है उनको आप जेल के अंदर रखिए और आप जो है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करो ताकि इससे लोगों की सुरक्षा हो। ऐसी आपसे एक नम्र निवेदन है हमारी। आरोपी का नाम है रईस बोकिया, उसको बोकिया बोल के पहचाना जाता है। वो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को भी लूटते हैं। मेरे होटल के बैक साइड में तकरीबन 20 होटल और है और ये हादसे कई होटलों वालों के साथ होते हैं। रात में मालक लोग होते नहीं हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, रूम बॉयज होते हैं, तो उसको वो चाकू बता के उसके पास से वो पैसे ले जाता है। ऐसी सबकी रिपोर्ट्स आई है, लेकिन कोई फ्रंट में जाकर कंप्लेन उसके नाम से नहीं किया है। ये पहली बार मेरे साथ जो हादसा हुआ है, तो इसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि साहब ये नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रिमिनल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी ऐसी एक सीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे क्रिमिनल्स को जो है बिहाइंड द बार रखिए और आप उसका व्यवस्थित उपाय कीजिए जो भी आप कर सकते हैं। सर पुलिस स्टेशन में भी गुनाह दाखिल हमने कर चुके हैं, उसकी कॉपी भी है मेरे पास में, जो सीसीटीवी की फुटेज है वो भी मैं आपको दे सकता दिया हूँ मैंने पुलिस स्टेशन में, और जो भी और ज़रूरत रहेंगी उसकी सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन में दे सकता हूँ। मैं पिछले 20 साल से लायंस इंटरनेशनल क्लब में सेवा का काम कर रहा हूँ, आज वो चीज़ को जो है 21 साल पूरे हो गए हुए। तो हमारा जो कार्य है वो सेवाभावी है और आप भी इस ये चीज़ को आपको नॉलेज होएंगी कि भाई लायंस क्लब में जो लोग होते हैं वो लोग कितने क्लीन और सेवाभावी होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए और वो क्रिमिनल को जो है प्लीज़ आप बिहाइंड द बार ही रखिए। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।